जंतर मंतर जाने का मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका एक अलग स्थान है वर्ल्ड में, वर्ल्ड हेरिटेज में, और अंदर जाके मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस जंतर मंतर पे। और रही बात खूबियों की, तो बताना चाहूँगा यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन सनडायल है या, और इसको राजा जय सिंह ने बनाया था द्वितीय, जिन्होंने जयपुर सिटी को भी बनाया है, जिसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे कम से कम 19 एस्ट्रोनॉमिकल यंत्र हैं जो एकदम एक्यूरेट टाइमिंग बताते हैं, खगोलीय पिंडों की, तारों की, उनकी गति, टाइमिंग, या ऑल आर परफेक्ट। तो अभी धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाता हूँ। और बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, एक ज्योग्राफर का यहाँ आना बनता है। ये देखिए दोस्तों, सो ये अभी क्या है इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, या और इसकी खासियत क्या है, इसे आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ध्रुव, ये देख लीजिए आप, सब बता देगा आपको। ये देखिए कैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, आई थिंक देखिए निशान। अभी मैं उधर से भी दिखाता हूँ तुमको गाइस। Tiempo del local, tiempo del solar. Hoy la diferencia tiempo del local en tiempo del nacional. Míralo de aquí, de escrito da 36 minutos o más, más 36 minutos. Mira, dosto. छोटा करके दिखाता हूँ, थोड़ा वाइड में, अब अच्छे से समझ आएगा। देखिए एक एक चीज़ को कितना डिटेलिंग से बनाया गया है, देख लीजिए आप। पीछे भी आवाज़ें आ रही हैं कि जो राजा थे वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे। और अभी इसके बारे में भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। अलग अलग राशियों के अलग अलग यंत्र हैं, इनको अच्छे से दिखाता हूँ मैं छोटा करके एकदम अल्ट्रावाइड में। देख लीजिए, और जो एक अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल है, एस्ट्रोलॉजर है, उसके लिए एक चैलेंज। ये देखिए लियो, लियो के बाद चलिए इस तरफ चल लेते हैं। ये किस राशि का है ये देखते हैं हम। ओह, ये धनु राशि का है, सेजिटेरियस। और यहाँ पे भी ये कुछ अलग संयंत्र है। अभी चलते हैं, सेजिटेरियस हो गया अपना, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यंत्र कैसा है, और लिब्रा। दिस इज लिब्रा मैन। दिस इज लिब्रा, ब्यूटीफुल लिब्रा। और लिब्रा के बाद आई थिंक अभी मैं कहाँ जाऊँ, इतने यंत्र हैं। ये देखिए, ये पता नहीं किसका यंत्र है, इकट्ठे ही कवर करता हूँ मैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, ये है आपका मीन राशि। आप
देख सकते हैं टूरिस्ट पेंटिंग में है और इसका असली मज़ा रात को आएगा आई थिंक एक्वेरियस। ओह गर्मी बहुत ज़्यादा है ऐसे बाय द वे। और ये देखिए आपका टोरस, अभी टोरस के बाद आई थिंक ये या एक्वेरियस आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखिए जेमिनी, हियर इज द जेमिनी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पता लगता है, डिटेलिंग कर रखी है इसकी। डू नॉट क्लाइंब, मार पड़ेगी खतरनाक वाली। ये आई थिंक है कर्क, बोले तो केकड़ा क्रैबी। और ये आपकी कन्या राशि देखिए वर्गो, और एकदम लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। इसको बनाने में एटलीस्ट कम से कम 10 साल लगे थे इस पूरे वेदशाला यानी कि जंतर मंतर को बनाने में। तो गाइस चलिए अब चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ फॉरनर्स हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई। हमने भी सोचा थोड़ा फ़ोन को ठंडा कर लें, काफ़ी हीट मार रहा था इस सनलाइट में अभी। वो 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 तो यहाँ से जान बहुत मज़ा है। अगर आप नीचे एक्सप्लोर करेंगे हम इसको ऐसे चले दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं इधर नीचे, सबसे बड़ा सनडायल दुनिया का जिसकी मैं बात कर रहा था यही है वो। अब हम नीचे जाने वाले हैं एकदम मस्त तरीके से जमा जाए। देखिए यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक आई थिंक। बाकी की हाफ घड़ी इस साइड को है। देखिए एंशिएंट लैंग्वेज इफ यू नो वेरी वेल। कबूतर तो चलिए अभी आपको बता देता हूँ घड़ी का कार्य कैसे है। तो ये जो इस साइड को आई थिंक ये देख लीजिए पूरी ये हाफ घड़ी है यानी 12 घंटे इस साइड और 12 घंटे उस साइड के थे। और ऐसी इंडिया में टोटल 5 घड़ियाँ हैं जंतर मंतर यानी एक जयपुर में जो कि मेन है और सबसे बड़ा है, उसके बाद है दिल्ली में और फिर है मथुरा बनारस और उज्जैन। और सिर्फ दिल्ली और जयपुर के हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, वरना या बाकी बहुत ही ख़राब दशा में ख़राब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं पानी पी आता हूँ फिर आपको जंतर मंतर का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है उसका मीनिंग। अब चलते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रही हो काफ़ी, थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा हो तो ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ ये काफ़ी अच्छी जगह है, ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों छांव। Yeah.
आई डोंट नो वहाँ पे क्या है, पर इसे जरूर देखना चाहिए। व्याख्या केंद्र, चलिए देख लेते हैं क्या व्याख्या है इधर पे। जंतर मंत्र का आप देख सकते हैं, खत्म है ये पूरे जितने भी, ये देखिए जितने भी डिवाइस हैं वो गए यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जंतर मंत्र का मीनिंग बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो। जंतर शब्द जो है वो संस्कृत के यंत्र शब्द से लिया गया है, यंत्र। और जो मंत्र है उसका मतलब है मशीन, या दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जंत्र मंत्र, यानी इंस्ट्रूमेंटल मशीन। या बोथ जो शब्द है जंत्र मंत्र, और संस्कृत के शब्द जंत्र एंड मंत्र मंत्रिक से लिए गए हैं, इस वजह से इसका नाम है जंत्र मंत्र यानी बोला जाता है। अभी ये देखिए एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ, देखिए क्या है इसका तो पता नहीं, तो यहाँ लिखा हो क्या चीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है इसका क्या काम है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, दोज आर इंटरेस्टेड। देखिए आधी घड़ी साइड है, आधी घड़ी साइड है, आधी उस साइड जिस तरह का इसको बनाया गया, मतलब हाफ डिवाइस उस साइड है, हाफ उस साइड। और मैं यहाँ काफ़ी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा। अभी उस साइड भी जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ। और अभी एक राम घड़ी भी है, उसे भी देखेंगे हम, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए ये लिखा गया है इसके बाद में, डिवाइस डिग्री एंड मेजरमेंट आर्क। ये देख सकते हैं आप इस खूबसूरत डिवाइस को, कितनी मेहनत, 10 साल की मेहनत फिर जाके ये है। और अभी भी एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये हवा महल की दीवारें हैं बैक साइड की, यहाँ हमने जाना है अब कुछ टाइम बाद, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए इसे देखिए, इस खूबसूरत डिवाइस को। जहाँ शैडो इसका आएगा ना रॉड का, वो टाइम है प्लस जो एडिशन टाइम करते हैं। एंड सब इसको देख लेते हैं क्या चीज है ये। व्हाट इज दिस, देखिए इधर एक स्टोन रखा हुआ है नीचे, अगर आप देखें ध्यान से जिस पे उकारी गई हैं चीज़ें, ज्योमेट्रिकल टाइप में हम ग्लोब का ये शेप देख सकते हैं। ये देखिए चक्र यंत्र, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकता है।
गायब हो चुकी है ये चीज इसमें से आई थिंक, बट या दिस इज योर राम यंत्र। एल्टीट्यूड दिखाने के लिए एल्टीट्यूड एजीम्यूथ कोऑर्डिनेट्स और इंग्लिश वालों के लिए ये रहा भाई अच्छे से पढ़ दो। दिगंश यंत्र दिगंश एजीम्यूथ, सो दैट वन इज फॉर एल्टीट्यूड द राम यंत्र एंड दिस इज I think the Malaysia for the Elmiut. No entry guys. Tim. जिन लोगों को समझ नहीं आया उन्हें मैं सिंपली समझाना चाहूँ तो वो एल्टीट्यूड और जो उसकी रोटेशन थी उसके बारे में बात कर रहे थे। एल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट एंड एजीम्यूथ मतलब उसकी डायरेक्शन, दैट्स इट। और एक और चीज़ रह गई पीछे से देखते हैं, आखिरी चीज आखिरी डिवाइस सो बेसिकली दिस डिवाइस इज हेल्प फॉर द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके बारे में बोर्ड आई थिंक मिसिंग है, जहाँ तक है होना तो चाहिए वैसे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या एंड ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। आई मीन वीडियो से ज़्यादा ये लोकेशन ये प्लेस ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ हवा महल की तरफ, तो मिलते हैं अब आपसे हवा महल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।